तो बड़ा भाई जो है यूसुफ खान, उसके बच्चे करीम खान वो वगैरह आके जो है तो मेरे खेत में आके दादागिरी करते हैं। मैं परेशान हो गया सब, और मेरे को जो है 2011 में इन्होंने ऐसी छुपैरी दे के, और ये जो मेरे पैर तोड़े सब, ये सब मेरे को मारने की धमकी देते, तेरे को ख़त्म कर डाली है, तेरे दो लड़के उनको भी अलग का केस में फंसा देंगे। ऐसे दो बच्चे थे सब, मैं तो यहाँ था नहीं, मेरी बहू और बच्चा था उस पर हमला करे उन्होंने, बहू कभी भी मार सकते, मेरी जान को खतरा है, मेरी जमीन बलजबरी खींचने की कोशिश कर रहे हो। बोलिए सर। मेरा नाम लतीफ खान बाबा मियाँ। आज आपने हमको कॉल करके बुलाया, तो क्या वजह हुई, क्या हादसा हुआ? ये साहब, ये मेरी जमीन हमारे बाप दादा के हाथ की जमीन ली हुई थी 27 एकड़ 16 गुंठे, जिसमें हम सगे पांच भाई है। सगे पांच भाइयों में 5 एकड़ 22 गुंठे हमारी डिवाइड हो गई, अब्बा के सामने बंटवारे हो गए, बांध गिरे हुए। फिर भी इन्होंने जो है तो बड़ा भाई जो है यूसुफ खान, उसके बच्चे करीम खान वो वगैरह आके जो है तो मेरे खेत में आके दादागिरी करते, मार पीटने की धमकी देते, और जो है तो बलजबरी घुसने की कोशिश करे। मैंने एसीपी साहब का ने भी एक अर्जी किया 2014 में, यहाँ झगड़ा होगा दंगल, और वहाँ से ने तो डीसीपी साहब का ने भी किया, और सिडको पुलिस स्टेशन है टीवी सेंटर पे वहाँ भी मैंने किया, तो वो अभी मेरे को ना इनको उठाए ना कोई मेरे पे कार्रवाई की। मैं परेशान हो गया सब, और मेरे को जो है 2011 में इन्होंने ऐसी छुपैरी दे के, और ये जो मेरे पैर तोड़े सब, ये मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर करे थे छुपैरी दे के, इन्होंने छुपैरी दे के मेरे पैरा तोड़े हुए थे इन्होंने, तब भी मैं 1.5 साल जो है तो एडमिट था, और इन्होंने जो है तो मेरे को कोई 307 जब भी लगी थी, जब भी इन्होंने जो है सिडको पुलिस स्टेशन था वहाँ पैसे खिला कर इन्होंने केस दबा दिए, मेरे तक आए नहीं, क्योंकि मैं एडमिट पड़ा हुआ था दवाखाने के अंदर, प्राइड दवाखाने में घाटी में से प्राइड में डाल दिए थे मेरे को। तो उसके बाद में फिर अभी भी कर रहे, तो मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ सब, मेरे को मारने की धमकी देते, तेरे को ख़त्म कर डाली है, तेरे दो लड़के उनको भी अलग का केस में फंसा देंगे, ऐसा करेंगे ऐसे बोल के मेरे को धोसे देते सब। कब कब दिया आपको, 2-3 कब करे आपको धमकी? कब? 14 तारीख को, या आने वाली 14-12 को, अभी जो पिछले 14-12 जो, हाँ 14-12 तारीख को उन्होंने धतिंग करे, झगड़ा हुआ। यहाँ मैं पुलिस स्टेशन में गया, ट्रैक्टर वाले का भी मैंने न्यूज़ लेके नंबर दिया पुलिस स्टेशन में, सब दिए। 14 तारीख से अब तक इन्होंने कुछ उठाया नहीं, ना इन्होंने कोई कार्रवाई करी नहीं। झगड़ा हुआ था तो झगड़े में आप लोगों ने भी कुछ करे थे, या फिर खाली वही लोग? नहीं, मेरे दो बच्चे थे सब, मैं तो यहाँ था नहीं, मेरी बहू और बच्चा था उस पर हमला करे उन्होंने, बहू वगैरह आए हमारे घर के लोग आए, लेडीज़ पे हमला करे। बाद में जो है तो फिर ये होने के बाद हम पुलिस स्टेशन भागे सब, पुलिस स्टेशन में भी हमने गुना दाखिल हुआ उन पर, गुना दाखिल होने के बाद में सब उन्होंने अब तक उनको उठाए नहीं। अरे आपका बोलना अरेस्ट अभी तक नहीं करे? अरेस्ट अभी तक उन्होंने करे नहीं, ये वजह क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। आपने ये चीज़ के बारे में कंप्लेन करे सीपी साहब या? सीपी साहब का ने करा, डीसीपी साहब का ने भी कंप्लेन किया मैंने, लेकिन वो बोले उठाएंगे उठाएंगे करेंगे, आस्था अभी तक तो कुछ भी करे नहीं उन्होंने। अब क्या मांगे आपकी, क्या अभी भी आप लोगों को लोग धमकियाँ दे? अभी मेरे को धमकियाँ देते, मारने की धमकी देते, मेरे खेत में बलजबरी घुसने की कोशिश कर रहे, मेरी ज़मीन में बाजू में जो ज़मीन है मेरे मकान के पीछे वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे, धमकियाँ दे रहे मारने पीटने की, क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज़्यादा बड़ी है और मेरे दो ही लड़के हैं, और वो लड़कों की वजह से मेरे लड़के जो है तो काम पे जाते, और मेरे बहू और घर के लोग और मैं यहाँ रहते, और आएंगे तेरे को ख़त्म कर देंगे, ऐसा करेंगे यूँ करेंगे ऐसे धमकियाँ। नहीं तो ये जो ज़मीन आपकी है इसका प्रूफ है आपके पास? नहीं, मेरे कहने पूरे गवर्नमेंट के जो है मेरे बाप दादा के मेरे कहने 7 बारे है, मेरे कहने तहसील से कमिश्नर तक ऑर्डर में 5-22 के हुए, सेशन कोर्ट तक ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, सेशन कोर्ट के है, MRT के पूरे ऑर्डर मेरे माफे खोए हुए 5-22 5 भाई के उतनी 5-22 5 भाई पूरे ऑर्डर मेरे कहने मौजूद है, मैंने ऑर्डर का कॉपियाँ भी पुलिस स्टेशन में देवा है। तो अब आप क्या चाह रहे कि वो लोगों पे कार्रवाई होना? अब मैं चाह रहा हूँ ये लोगों पे कार्रवाई होना, प्रतिबंधक होने के बावजूद भी अभी ये लोगों ने कुछ भी उनको एक्शन नहीं लिए, ना ऑब्जेक्शन कुछ लिए उन पे, प्रतिबंधक होने के बाद भी ना अब तक उनको उठाए भी नहीं। हरसुल पीआई से बात हुई आपकी? हाँ, हरसुल पीआई साहब से बात हुई, मैंने ऑर्डर का कॉपी भी उनसे दिया, वो बोलते उठाएंगे उठाएंगे बस ऐसा बोल रहे, और वो जो है फरारी हो जा रहे, और यहाँ रहने के बाद भी उनको जाके बोल रहे साहब उठाओ, तो हाँ उठाएंगे शाम में उठाएंगे 4 बजे उठाएंगे ऐसा बोलते। तो उसमें से किस किस के नाम पे FIR हुई है? FIR हुई है करीम खां है, ये करीम खां यूसुफ का, रऊफ का यूसुफ का, अजीज का यूसुफ का, आबेद का यूसुफ का, और उनके 4 लड़के हैं सब, मैं नाम बताता हूँ आपको, ये 4 भैया, और दूसरा है माजेद खान, आबेद खान, साजेद खान, आबेद खान,
और अरबाज खान, आबेद खान, फैजल खान, रऊफ खान, ये आठ लोग हैं साहब। ये आठ लोगों पे हमने कार्रवाई करे, लेकिन आठों को भी अभी प्रतिबंधक होते हुए भी उन्होंने अभी तक उठाया ना कुछ नहीं है आठ लोगों को। आप लोगों पे इन्होंने कुछ हथियार से हमला करे थे या क्या करे? लकड़ियाँ वगैरह लेके आए थे, डांडे काटे, पेपर में भी मैंने किया था साहब, लेकिन उसका भी कोई उन पर इफेक्ट हुआ नहीं। ये लोगों की इसकी FIR कॉपी है आपके पास? हाँ, FIR कॉपी भी मेरे कहने DCP की भी है, और यहाँ के हरसूल के पुलिस स्टेशन की उनकी भी FIR कॉपी है, और वहाँ की भी FIR कॉपी है, मैं कहने मौजूद है FIR कॉपी। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मेरे को ये मांग है साहब, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, और मेरे को अभी तक न्याय नहीं मिला। मेरी जान को अगर कुछ खतरा हुआ साहब, और मेरे बच्चों को, तो मैं छोटा सा, मेरे घर में फैमिली छोटी है, उनकी मेजोरिटी बड़ी, इसलिए वो दादागिरियाँ ज़्यादा कर रहे हैं। भी कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम क्या है सर? फिर वो ये कभी भी मार सकते, मेरी जान को खतरा है, मेरी जमीन बलजबरी खींचने की कोशिश कर रहे हो।